हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक यूज़र कार्ड या प्रोफाइल कार्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जो क्रिएट करेंगे ये यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ HTML एंड CSS यूज़ करते हुए इसको हम क्रिएट करेंगे। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ किस तरह का हमने डिज़ाइन करना है। ये कार्ड हमने डिज़ाइन करना है, ये जो फेसबुक, लिंक्डइन, ये और ट्विटर के लिए जो ये पिक्चर यूज़ किए हैं, ये हम एक लिंक के थ्रू हम इसे गेट करेंगे। चलो हम चलते हैं अब अपने स्क्रीन पे और जाके हम सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं। ये आ गया HTML टैग और हेडर में हम अब एक लिंक शो करवाते हैं। ये लिंक वो है जो जिसके थ्रू हमने ये फेसबुक और उनके पिक्चर जो हैं वो हमने गेट करनी है। ये वो वेबसाइट है जिधर से ये मैंने लिंक उठाया है। ये एक लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है। मैं इसे परेशान ना हो, ये मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उधर मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। और ये वो ये थर्ड है, 1, 2 और 3, ये हमने लाइब्रेरी यूज़ किया और वर्जन इसका है 4.7.0। और नेक्स्ट ये हमने इधर इसको कॉपी किया, मेरा आगे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आगे हम वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। बॉडी में आ गए, बॉडी में आने के बाद हमने सबसे पहले ये हमने जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है ना यूज़र प्रोफाइल कार्ड, हमने अब ये नाम लिखना है। ये हमने एक क्लास जो है स्टाइल करने के लिए हमने ये टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया कार्ड के, जो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये पेज के सेंटर में शुरू हुआ। ये देखें, अब हम सेव करते हैं और जाके इधर चेक करते हैं, ये हमारा आ गया सेंटर। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं फिर देखना क्या होता है। ये देखें, आगे हम जो डिव करें इसको हमने क्लास का नेम दे दिया हमने कार्ड जो मेन डिव है। आगे हमने इसके इमेज यूज़ करनी है। इमेज लगाने के लिए हमने एक इमेज यूज़ की है, ये वाली हमने अब ये लगानी है। ये इसका एड्रेस लिख दिया, आर्ट एंड स्टाइल इसकी विड्थ 100% कर दी और इसका नेम हमने ये लिख दिया। ये पैराग्राफ टाइटल में जो आएगा, इसको क्लास का नेम मैंने टाइटल रख दिया और ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अब हम जाके इसको सेव करते हैं और इसको जाके चेक करते हैं कहाँ तक। ये देखें कितना बुरा लग रहा है, ये हमने लिख तो दिया, हमने ये भी एक साइड पे आ रहे हैं और ये भी, और हमारे कोई कौन अभी हमने वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पिक्चर भी नहीं यूज़ की। आप परेशान ना हो, ये डिव लगाया हमने, इसमें हम वो जो मैंने आपको बताया लाइब्रेरी यूज़ करते हुए हमने उसके कोइन लगाने हैं फेसबुक के, इसके लिए मैंने ये लिखने जा रहा हूँ।
इसको स्टाइल कर दिया, मार्जिन मैंने दे दिया 24px0 और ये लिंक दे दिया इसका, ये है हमारे पास। ये देखना, अब चेक करने हैं आप, ये देखें हमारे पास आ गया एक। अब हमने और भी यूज़ कर लिया, अब हमने ट्विटर का यूज़ किया, इसके बाद हम लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। अब हम फेसबुक का यूज़ करते हैं, सेव करते हैं इसको और जाके हम चेक करते हैं। ये देखें हमारे तमाम के तमाम यूज़ आ गए हैं, ये फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, ये हमारे आ गए हैं। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए हमने जो ये क्लासेस के थ्रू स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड की, सबसे पहले कार्ड की हम स्टाइलिंग करते हैं। कार्ड, ये मेन डिव की, इसमें हमने बॉक्स दे दिया, बॉक्स शेडो ये यूज़ कर लिया। मैक्स विड्थ, उसकी मैक्सिमम जो विड्थ होगी इतनी होगी। मार्जिन ऑटो कर दिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और फाउंड फैमिलीज की रेल कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं इसकी स्टाइलिंग टाइटल की। इधर से गाइस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टाइलिंग आप खुद भी कर सकते हैं। मेन काम होता है कि आपको बता दें कंसेप्ट क्या, कैसे यूज़ करना है और ये क्रिएट स्ट्रक्चर कैसे बनना है, ये होता है मेन काम। इधर से मैंने वीडियो थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ। हम बटन बोले वो वाले बटन यूज़ की स्टाइलिंग कर रहे हैं जो हमने फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। ये आ गए एंकर टैग की स्टाइलिंग। ये बटन पे होरो लगाने लगे हैं। ये तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसको हम सेव करते हैं और जाकर चेक करते हैं हमारा कार्ड डिज़ाइन फुल हो गया कि नहीं, ये चेक करते हैं। इधर आएंगे रीलोड के बटन पे, ये देखें आप देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा कार्ड बिल्कुल इसी की तरह का डिज़ाइन हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आज से वेब के और एडवांस में आगे जाके जावास्क्रिप्ट के मैं तमाम ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करता हूँ।